हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में सिक्कों को फेंकते देखा होगा। जी हाँ, लेकिन आप क्या जानते हो कि लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, नदियों में सिक्के क्यों फेंकते हैं, आखिर इसके पीछे की मेन वजह क्या है? अगर नहीं तो चलो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोगों के पास पीने के पानी के लिए लिमिटेड स्रोत रहते थे, जैसे नदी, ताली, तालाब और कुआं। यदि और बरसात का पानी होता था तो बहुत ही गंदा हो जाता था। सो उस पानी को लंबे समय तक पानी को साफ बनाए रखने के लिए नदी और तालाब में तांबे के सिक्के को डाला जाता था, क्योंकि कॉपर जो है वो पानी में साफ रखने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। इसी कारण पुराने ज़माने के लोग नदियों में सिक्के फेंकते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग एक अंधश्रद्धा को लेकर पानी में स्टील के सिक्के फेंकते हैं, लेकिन स्टील के सिक्कों से हमारे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पुराने ज़माने में कॉपर के सिक्कों से बॉडी में कॉपर की मात्रा रहती थी और लोग तंदुरुस्त रहते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।